लोग शुरू करने वाले हैं, उसका क्या नाम है? इस बात को ध्यान में रखते हुए कि आप लोगों का मैग्नेटिज्म हो चुका है, तो आपको ऑर्स्टेड के बारे में तो पता ही होगा। ऑर्स्टेड ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसके बारे में भी पता होगा आपको। और ऑर्स्टेड ने क्या कहा था कि करंट कैरिंग वायर के पास में मैग्नेटिक फील्ड होती है, याद करो। ऑर्स्टेड का जो स्टेटमेंट था वो यही था कि करंट कैरिंग वायर कैरीज मैग्नेटिक फील्ड विद इटसेल्फ। अब एक नया साइंटिस्ट आया, उसका नाम था माइकल फैराडे। उसकी सोच थोड़ी अलग थी, ठीक है, ध्यान से सुन लेना कहानी, इसके अंदर कोई इफ बट परंतु नहीं है। जो हुआ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो ऑर्स्टेड ने क्या बोला, करंट कैरिंग वायर के आसपास क्या मिलेगी? मैग्नेटिक फील्ड। फैराडे ने उल्टा सोच लिया। फैराडे ने क्या सोचा कि मैग्नेटिक फील्ड के आसपास करंट भी तो मिल सकते हैं। अब वो सोचता रहा, हालांकि उससे कुछ हुआ नहीं, बैठा रहा चुपचाप से, एक तरफ बैठ गया, पड़ गया, लेट गया, सब कर लिया, पर उससे करंट वरेंट की जो कहानी है उससे वो सॉल्व नहीं हो रही थी। बहुत बुरी तरह से फ्रस्टा गया फाइनली, और फ्रस्टा के मैग्नेट को जोर से भेगा, एक कॉइल के पास से निकला मैग्नेट। चांस की बात है वो कॉइल जो थी वो गैल्वेनोमीटर से कनेक्टेड थी और करंट आ गया। तो बहुत जोरदार बात है अपने आप में। आप सोचो कि फैराडे ने सब कुछ करके देख लिया, उसे कुछ पता नहीं लग रहा था, और एक दिन उसने मैग्नेट उठा के फेंक दिया, साला कुछ बन तो रहा नहीं है, जा। अब वो जब वो मैग्नेट कॉइल के पास से निकला ना, तो वो कॉइल क्योंकि गैल्वेनोमीटर से जुड़ा हुआ था, तो उसमें उसने डिफ्लेक्शन देख लिया। वो साला ये क्या हो गया, ये तो बड़ी बात हो गई ना, मैग्नेट फेंका तो आ गया। फिर उसने बोला यार ये सही है। अब उसने मैग्नेट को आराम से उठाया, करंट आया, जोर का करंट आया। अरे करंट है ना। फिर उसने क्या किया, मैग्नेट को ऐसे पकड़ा, कॉइल को ऐसे पकड़ा और यूं चला, करंट नहीं आया, करंट नहीं आया। अब उसने मैग्नेट को ऐसे पकड़ा, कॉइल को ऐसे पकड़ा, दोनों को यूं चलाया, करंट आ गया, ठीक है। हाँ, एक हिलाने से नहीं होता, दोनों हिलाने। क्या हो गया? क्या है वाली बात ये है? तो पॉइंट ये था कि देयर शुड बी रिलेटिव मोशन, देयर शुड बी रिलेटिव मोशन होने से करंट आएगा, अदरवाइज करंट नहीं आएगा। तो इन्होंने अपनी तरफ से ये वाली चीजें इनपुट दी, और दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इनपुट्स था ये। मतलब आप ये समझ लें कि ये इलेक्ट्रिसिटी वगैरह लाने के अंदर बहुत बड़ा योगदान जो है अगर किसी का रहा है तो वन ऑफ दो साइंटिस्ट इज व्हाट, किसका नाम है वो, माइकल फैराडे। और जबरदस्त चीज, मतलब आप सोचो किसी के दिमाग में कुछ नहीं आ रहा था, सब लोग करंट कैरिंग वायर चिल्लाते रहते थे, ये भाई ने आके नई चीज दी। जनरेटर वगैरह जो है वो आते ही नहीं दुनिया में, जनरेटर वगैरह दुनिया में ही नहीं आते, ये लोग नहीं होते तो इन लोगों ने ये सब चीजें बताई कि देखो ऐसा ऐसा होता है, इसके कारण ऐसा ऐसा होता है, जिसके कारण वैसा वैसा होता है, ठीक है। तो अगर वैसा वैसा नहीं होता तो लाइट जाते ही हम क्या अंधकार में होते, पर क्योंकि वैसा वैसा हो गया इसलिए लाइट जाके भी हम किस में होते हैं, रोशनी में होते हैं। क्या है वाली बातें क्लियर होती हैं? नहीं, बात समझने वाली तो समझो ना, कि भाई देखो एक छोटी सी मिस्टेक से बहुत सारी चीजें हमें पता लग गई। तो एक एक्सीडेंटल डिस्कवरी हुई, फर्स्ट आने के बाद में मैग्नेट फेंका तो साला कॉइल में डेविएशन आ गया, तो बहुत अजीब टाइप की बात है ना। तो इस तरह से चीज़ों का इन्वेंशन हुआ, एक नया इन्वेंशन था ये, ठीक है, जिससे हम लोगों ने ये सब चीज़ें नोट की। क्या ये बातें क्लियर है, कहानी समझ में आ गई सबको? वेरी गुड। तो हेडिंग डालो EMI। अच्छा, वो तो पहले ही डाल चुके सर हेडिंग, है ना। इसके अंदर लिखो, ऑर्स्टेड सेड That a magnetic field is always there near a current carrying wire. While Faraday thought opposite, जबकि Faraday ने क्या सोचा, उल्टा सोचा। Ørsted said that there is a magnetic field near a current carrying wire, while Faraday thought opposite.
FARADAY फैराडे, वेल फैराडे थॉट अपोजिट एंड सेड दैट मैग्नेट्स कैन ऑल्सो ब्रिंग एंड सेड दैट मैग्नेट्स कैन ऑल्सो ब्रिंग करेंट. ठीक है भाई, अपने लिए उस जमाने में क्या होता था, करंट वरेंट बनाने के क्या तरीके थे, सेल बैटरी वगैरह. पर सेल बैटरी वगैरह की अवेलेबिलिटी लिमिटेड थी ना यार, कितने केमिकल लाओगे, और केमिकल तो एक दिन खत्म हो जाएंगे. और ऐसे तो केमिकल वाले तो सब अमीर हो जाएंगे, जिनके पास पैसा है सिर्फ उन्हीं को चीजें मिल पाएंगी, बाकी सबके लिए इट इज अ बेसिक मतलब नेसेसिटी है आप लोगों की. और वो नेसेसिटी अगर आप लोग फुलफिल नहीं कर पा रहे तो गड़बड़ हो रही है. तो इसीलिए वो जो बेसिक्स थे ना उसके बारे में उन्होंने दिमाग लगाया कि सेल बैटरी जिस दिन खत्म हो जाएंगे उस दिन हम क्या कर पाएंगे. तो इसलिए वो सोच सोच के परेशान हुए और उन्होंने मैग्नेट फेंका. समझ रहे हो? तो अगली लाइन में ये नहीं लिखना कि परेशान हुए मैग्नेट फेंका, ये बस बताने के लिए मैं आपको बता रहा हूं. ठीक है ना बेटा? तो इसके अंदर लिखो, फैराडे फाउंड दैट व्हेन ही थ्रू अ मैग्नेट, फैराडे फाउंड दैट व्हेन ही थ्रू अ मैग्नेट on a coil there was a deflection in the galvanometer. Faraday found that when he threw when he threw a magnet on a coil, then a deflection was there in the galvanometer. Which meant the presence of current. इतनी बढ़िया लाइन है ना, which meant the presence of current. वाह, which meant the presence of current. क्या लिखी है तूने meant की स्पेलिंग बताना? Meant की ME? वेरी गुड. हाँ, विच मेंट द प्रेजेंस ऑफ करेंट. ठीक है, फुल स्टॉप. नेक्स्ट लाइन में लिखना, ही फाउंड दैट वेन एवर देयर इज रिलेटिव मोशन अ करेंट वॉज देयर. Relative motion, a current was there. Bracket में लिखना, between coil and magnet. ठीक है, next line, the current which was produced was induced current and hence there should be some induced EMF induced EMF as well. ठीक है भाई, जो करंट आया वो मैग्नेट के कारण आया, और अगर कोई इंड्यूस्ड करंट आया तो कोई इंड्यूस्ड EMF भी आएगा. करंट आया तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा कि नहीं होगा, तो इंड्यूस्ड EMF भी होगा. ये सब कैलकुलेशन हम लोग बाद में करेंगे, पहले ये कहानी हमें पता होनी चाहिए. ठीक है, नेक्स्ट लाइन, The direction of motion of magnet also gave a change in deflection direction of galvanometer.
अ चेंज इन डिफ्लेक्शन डायरेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर. ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ? जैसे मान ले ये हमारे पास में कोई कॉइल है और कॉइल किससे जुड़ी हुई है बेटा? हमारी गैल्वेनोमीटर से कनेक्टेड है. या आपका मान लो मैग्नेट है, तो मान ले पहले जो मैग्नेट है ना वो इधर लेकर जा रहा हूं. तो जब ये मैग्नेट मैं इधर लेकर गया तो आपके गैल्वेनोमीटर की जो नीडल थी मान लिया वो इधर की तरफ पॉइंट करने लगी जब इसको यहां पर लेकर गया इसके पास से. ठीक है, और वही जब मैंने इसकी डायरेक्शन बदली, मतलब कि इसी कॉइल के पास में जब मैं हमारी कॉइल को यहीं पर फिक्स रखा है और आपका जो मैग्नेट है उसको कहाँ ले जाने लगा बेटा? डायरेक्शन उसकी चेंज कर दी वेलोसिटी की. तो इन दैट केस क्या हुआ? कॉइल में जो डेविएशन था या जो डिफ्लेक्शन था वो भी अपोजिट डायरेक्शन में, वो भी किधर हो गया? अपोजिट. मतलब इन सब चीज़ों से करंट की डायरेक्शन पे भी फर्क पड़ेगा. ठीक है, तो अब की बार जो हमें करंट निकालना है उसका मैग्नीट्यूड तो होगा ही, साथ में डायरेक्शन भी होगा. अब की बार जो हमें करंट निकालना है उसमें मैग्नीट्यूड तो होगा ही, साथ साथ क्या होगा? डायरेक्शन भी होगा. तुम्हें पाम रूल वगैरह याद है सब? कोई दिक्कत तो नहीं? कैसे याद घुमाना है, क्या होता है, सब कुछ चीज़ें याद हैं? वेरी गुड, वो सब चीज़ें काम आएंगी. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनानी आती हैं? गुड, वो सब चीज़ें अभी हम लोगों को काम आने वाली हैं, इसलिए तैयार रहें. और अगर कोई नहीं बना पाया ना तो यूं उठा के कहीं नहीं फेंकूंगा, है ना? ऐसे डरो मत, बस बता रहा हूँ, पर याद होना चाहिए. That part is important, इसीलिए बोल रहा हूँ. तो देख, इधर ले गए तो इधर, इधर ले गए तो इधर. असली में हो सकता है कि इधर ले जाऊँ तो इधर आ जाए और इधर ले जाऊँ तो इधर आ जाए. जस्ट एक मतलब डायग्रामेटिकली शो किया गया है कि ऐसा हुआ. मतलब डायरेक्शन ऑफ मोशन डिफाइन कर रहा था कि करंट किस डायरेक्शन में बहेगा. बोलो सही है वाली बात? ये सब ऑब्जर्वेशन हैं फैराडे के, उसे ये भी पता लगा, ये भी पता लगा, ये भी पता लगा, सब कुछ उसके लिए नया था, इसलिए वो करता गया एक्सपेरिमेंट. ये भी कर लेता हूँ, ये भी कर लेता हूँ. ठीक है, अब उसने इसको भी V से चला दिया, इसको भी इधर ही चला दिया V से, तो करंट जीरो हो गया. करंट क्या हो गया? क्योंकि रिलेटिव मोशन ही नहीं रहा, रिलेटिव मोशन नहीं रहा. इसको इधर चलाया, इसको इधर चला गया, रिलेटिव मोशन है तो करंट आएगा. समझ पा रहे हैं? अब इसकी वेलोसिटी बढ़ा दी तो डिफ्लेक्शन भी ज्यादा आएगा. अरे यार, बात समझ आ रही है? यार बोल क्यों नहीं रहे? एक तो थोड़ी देर एसी चला लेंगे, गर्मी बहुत हो रही है. चला लें? चला दे यार. हाँ चला दे, कोई भी चला दो, मतलब जिसको आता है. चेल्सी सोच रही थी मैं बच गई, है ना? बहुत गर्मी नहीं हो रही अभी? ऐसा महसूस ही नहीं हो रहा कि हुडी की जरूरत है. इसको देख के और गर्मी लग रही है. चलो लिखो, डायग्राम अभी बना लेना, पहले एक पॉइंट लिख लो. When magnet was moved with a greater speed, more deflection was observed. ठीक है, ज्यादा से ज्यादा हमें क्या मिल रहा था बेटा? डिफ्लेक्शन मिल रहा था. ठीक, ये सब बातें क्लियर हैं. और इसीलिए हम लोगों ने एक नई टर्म डिफाइन की जो हम लोग बचपन में भी पढ़ चुके हैं. अगर आपको याद हो तो आप याद होगा, आप लोगों ने वो पढ़ी थी, फाई पढ़ा था अपन ने, इलेक्ट्रिक फ्लक्स. याद है फ्लक्स की वैल्यू क्या पढ़ी थी बेटा? इंटीग्रल ई डॉट डी ए. याद आ रहा है? याद आ गया. अब जो फ्लक्स है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जगह मैग्नेटिक फ्लक्स हो जाएगा. ये कौन सा वाला फ्लक्स था? ये था बेटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, अगर याद आ रहा हो तो. याद आ रहा है कुछ? ठीक है, इसी तरह से आपने पढ़ा था ई डॉट डी एल, वी इक्वल्स टू ई डॉट डी एल. डी आर बोल ले यार, वी इक्वल्स टू ई डॉट डी एल नहीं पढ़ते थे अपन? और उसको क्लोज लूप में घुमा लो तो उसकी वैल्यू हमेशा जीरो होगी. अबे कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव नहीं है वो, बावड़े लोगों. मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये E इक्वल्स टू इंटीग्रल E डॉट डी एल वाला, ये EMF वाला ही पोटेंशियल है ये. इसको अगर क्लोज लूप में लगाओगे तो जीरो नहीं आएगा?
कंजर्वेटिव के कारण आएगा, बावड़े हो गए हो क्या? अरे ये तेरा वो नोड वाला लॉ है, करंट वाला, उसी पॉइंट पे वापस घूम के आते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो नहीं हो जाएगा? तो ये बता रहा हूं मैं, एनर्जी कंजर्वेशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का बेसिक्स जो है ना वो यही है असली में, ठीक है ना। ऑल दो चलो वो सब बाद की चीजें हैं, तो ये दोनों लॉ तो होते ही हैं। अब इसकी देखा देखी है ना, मैग्नेटिक फ्लक्स बना, इसकी देखा देखी क्या बना बेटा? मैग्नेटिक फ्लक्स। और उस मैग्नेटिक फ्लक्स को हमने फाइ बी बोल दिया। क्या बोल दिया बेटा? फाइ बी। और उसकी वैल्यू क्या आ गई? इंटीग्रल बी डॉट डी। उसकी वैल्यू क्या आ गई? इंटीग्रल बी डॉट डी। और बी क्या होता है? टेस्ला। बी क्या होती है? मैग्नेटिक फील्ड होती है, इंटू डी ए। डी ए क्या हो गया? वही एरिया। डी ए क्या हो गया? एरिया। वो सारे क्वेश्चन याद होंगे आपको, अपन ने जो पार्ट टू में किए थे, इलेक्ट्रो टू में फ्लक्स निकालने वाले, याद नहीं आ रहा? फाइंड द नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस क्लोज सरफेस, से जीरो हो जाता है, एरिया परपेंडिकुलर लेते हैं, याद करो एरिया वेक्टर के बारे में याद है वो सब चीज़ें? हालांकि मुझे वापस बतानी तो पड़ेंगी जैसा कि मुझे पता है, तो इसीलिए अभी रिपीट टेलीकास्ट करना पड़ेगा मुझे। तो ये आपका एरिया जो है, ये वेक्टर बेटा, ये क्या है आपका? एरिया वेक्टर, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है। तो अगर एरिया कॉन्स्टेंट है तो वॉट कैन बी राइट? बोलो। फाइ इक्वल्स टू बी डॉट ए भी लिख सकता हूँ, जिसको प्यार से और क्या लिख सकते हैं? बी ए कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन बी एंड ए। बहुत नॉर्मल सी बात है। साथ साथ एक और चीज जो पता होनी चाहिए, बी स्टैंड्स फॉर बल्क मॉड्यूलस मैग्नेटिक फील्ड, एंड ए स्टैंड्स फॉर एरिया वेक्टर। एरिया इज अ वेक्टर और अ स्केलर क्वांटिटी। थीटा इज द एंगल बिटवीन बी एंड ए, हमेशा याद रखने वाली बात। क्या ये बातें क्लियर है? अगर तू बी की डायरेक्शन निकालना नहीं जानता तो ये चैप्टर साफ है, आज ही बता दो। बी की डायरेक्शन देखनी आनी चाहिए इन एनी केस, तो इसलिए सब बातें याद रखें। क्या बात क्लियर? कौन सा फ्लक्स है बेटा ये? मैग्नेटिक फ्लक्स। कौन सा फ्लक्स है? अच्छा, इसकी यूनिट बोल। टेस्ला। इसकी बोल, तो इसकी यूनिट क्या आ गई? बोलिए क्या बेटा? टेस्ला मीटर स्क्वायर। यूनिट क्या आ गई? टेस्ला मीटर स्क्वायर। क्या ये बात क्लियर है? है ना। इसके अलावा इसका एक और नाम है वेबर। कुछ भी नहीं है पर एम्पियर, सिर्फ वेबर। तुमने वेबर पहले सुन लिया? कहां सुना? इसकी एक यूनिट होती है इसलिए आपने सुना होगा। तो वेबर पर मीटर स्क्वायर इसकी यूनिट नहीं है बता, वो बी की यूनिट। किसकी यूनिट है वो? आपने वो जो बी के बारे में पढ़ा होगा ना, वेबर पर मीटर स्क्वायर, तो वो यही वाला वेबर है। तो आपको ये थोड़ी बताया होगा फ्लक्स, पर आपको बस बताया होगा वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है। बता भी नहीं सकते थे वहां पर फ्लक्स के बारे में, पर उसकी उसको वहां पर बस ये बोला जाता है कि ये आप फ्लक्स के अंदर पढ़ेंगे कि वेबर पर मीटर स्क्वायर इज ऑल्सो वन ऑफ द यूनिट विच यू विल कम टू नो अबाउट इन ईएमआई, जो आज आपको पता लग गया। तो वेबर किसकी यूनिट है? मैग्नेटिक फ्लक्स या इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ध्यान रखना। और वेबर पर मीटर स्क्वायर किसकी यूनिट है? मैग्नेटिक फील्ड। नहीं दिखा तुम्हें? अरे बाबड़ा, वेबर अपॉन मीटर स्क्वायर, बी की यूनिट नहीं आ गई, तो ऐसे क्या देख रहे हो मुंह फाड़ के? करो नोट, ऐसे देखने लग जाते हो कई बार, क्या बता दिया ये भी कोई यूनिट होती है क्या? पहली बार सुनिए क्या? चलो सुनो, हुआ क्या कि साइंटिस्ट लोग थे, सब लोग रिसर्च रिसर्च में जुट गए, और उन लोगों ने है ना कुछ अपने एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस दिए। शायद आप लोगों को ये वाली कहानी याद होगी कि क्रॉस का मतलब अंदर होता है, डॉट का मतलब बाहर होता है। तो सुनो, एक एक करके देखना आराम आराम से, अपने को कोई रेस्ट नहीं है फालतू का। इसका क्या मतलब है? अरे बोल। मैग्नेटिक फील्ड अंदर है। अब इसके अंदर मान लो मैंने एक लूप रख दिया। क्या रख दिया? एक करंट कैरिंग लूप होता है ना, वो रख दिया। और मैंने बोला कि जो मैग्नेटिक फील्ड है ना वो कांस्टेंट नहीं है, इट इज इंक्रीजिंग। वो कैसी है बेटा? इट इज इंक्रीजिंग। बोल करंट आएगा, हाँ या ना? अरे जल्दी बोल,
करंट आएगा, चेंज हो रहा है ना। तो साइंटिस्ट लोगों ने क्या देखा है एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस के अंदर, कि जब उन्होंने मैग्नेटिक फील्ड को चेंज किया, इंक्रीज किया तो भी करंट आया, डिक्रीज किया तो भी करंट आया। तो ये सब उन लोगों ने ऑब्जर्व किया और एक्सपेरिमेंट कर करके, हमने अपने मन से नहीं बोल दिया करंट आया होगा, ऑब्जर्वेशन किए एक्सपेरिमेंट करने के बाद। तो उन लोगों ने क्या बोला, जब हमने बी को चेंज किया और लूप को एज इट इज रखा, तो इसके अंदर जो करंट था उसकी वैल्यू जीरो नहीं थी, इट हैड सम करंट, इसके अंदर करंट फ्लो कर रहा था। अब अगले एक्सपेरिमेंट में साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, सिर्फ ये देखने के लिए कि डिपेंडेंसी कौन कौन से फैक्टर्स के ऊपर आती है, उन लोगों ने वापस से मैग्नेटिक फील्ड ली और मैग्नेटिक फील्ड लेके मस्त रूप से वापस से लूप रखा। पर ये जो अब लूप रखा ना, इसका एरिया कॉन्स्टेंट नहीं रखा, इसके एरिया को चेंज किया, मतलब एरिया इज वॉट चेंजिंग। पर बी को इस बार क्या रखा गया, बी आपकी कॉन्स्टेंट थी। फिर साइंटिस्ट लोगों ने पाया कि करंट इज नॉट जीरो, ये सब एक्सपेरिमेंट्स किए गए, करते गए, ठीक है। अब साइंटिस्ट लोगों का मन तो भरता नहीं है एक आध एक्सपेरिमेंट से, तो उन्होंने बोला कि एक काम करता है, कॉइल को घुमा भी लेते हैं। उन्होंने क्या बोला, कॉइल को एक बार घुमा भी लेते हैं। तो उन्होंने उठा के वही मैग्नेटिक फील्ड वगैरह ली, मैग्नेटिक फील्ड कैसी ले ली बेटा, कॉन्स्टेंट वाली ले ली, और बढ़िया इसके अंदर कॉइल रख के इसको घुमा दिया। अच्छा ध्यान देना, सेंस ऑफ रोटेशन कैसे, ये ऐसे घुमाया। मैग्नेटिक फील्ड कैसी है बेटा, अबे अंदर तो है कॉन्स्टेंट है अंदर हर चीज, हाँ अंदर है, वेरी गुड, क्या बात बताइए। तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर है और कॉन्स्टेंट है, उसकी डायरेक्शन इज इनसाइड बट द वैल्यू इज नॉट चेंजिंग, उसकी वैल्यू इज कॉन्स्टेंट, राइट। अब ये लूप रखा और लूप को ऐसे घुमाया, मजा आया, जीरो। अब जीरो आ गया, ज्यादा कुछ मत हो, अब क्या आ गया, क्यों जीरो आया होगा सोचो, बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड, इसमें करंट तो है ही नहीं ना, अंदर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऐसे घुमा, मैग्नेटिक फील्ड तो यूं जा रही है, मेरा लूप ऐसा है और ऐसे ही घूम रहा है। सोच बी में कोई चेंज है, नहीं है। बी और एरिया के एंगल में कोई चेंज है, इसीलिए कोई फ्लक्स में भी चेंज नहीं आया। फ्लक्स क्या होता है, बी डॉट डी है, फ्लक्स क्या होता है, और जोरदार चीजें थी है। सोचो तो है तो बहुत खतरनाक चीजें निकल के आती हैं यहाँ से, ठीक है। ये सब कहानी हो गई, पर साइंटिस्ट लोग तो साइंटिस्ट लोग ही हैं, उन्होंने क्या कहा, एक और एक्सपेरिमेंट करेंगे, और उठा के एक एक्सपेरिमेंट और किया जिसमें वापस से मैग्नेटिक फील्ड कहाँ ली, अविनाश कहाँ ली मैग्नेटिक फील्ड, वेरी गुड, अंदर की तरफ, परंतु कॉन्स्टेंट, परंतु कॉन्स्टेंट मैग्नेटिक फील्ड ली, पर इस बार डायरेक्शन ऑफ रोटेशन देखना, मतलब ये अब बोल बी और ए में एंगल बदल रहा है, अरे जल्दी बोल, बी और ए में एंगल बदल रहा है, हर इंस्टेंट में बदल रहा है, करंट जीरो आएगा क्या, इस बार करंट जीरो मिला भी नहीं, इस वाले केस में करंट जीरो मिला, मतलब कि करंट जो है किसी कॉइल में करंट बहने के लिए क्या क्या नीडेड था, मैग्नेटिक फील्ड, एरिया और उनके बीच का एंगल थीटा, कोई भी वेरी कर जाए, कोई भी वेरी कर जाए तो क्या करंट आ जाएगा भाई, बी और एरिया के अंदर कोई भी अगर वेरी कर गया तो अपने सिस्टम के अंदर हमें क्या मिलेगा, लूप में करंट बहता हुआ मिलेगा। क्या ये वाली बातें क्लियर हुई, किसी को कुछ समझ नहीं आया भाई साहब, मैंने अभी कुछ नहीं सिखाया कि एरिया किधर है, एरिया क्या है, पर ये बात तो आपको समझ में आई, जब मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है और अपना जो मटेरियल है वो ऐसे ऐसे घूम रहा था, तो मैग्नेटिक फील्ड के साथ जो उसका एरिया वेक्टर है वो भी तो चेंज हो रहा है। एरिया वेक्टर इज ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस, भूल गए यार तुम, आउटवर्ड नॉर्मल इज टेकन एज द एरिया वेक्टर, कुछ याद है, तो जब आपका फोन जब ऐसे था तो आउटवर्ड नॉर्मल ये था, ये घूमा तो ऐसे हो गया ना, तो एंगल बदल गया कि नहीं बदल गया, मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसे थी, फिर ये ऐसे घुमा, ये आ गया, आउटवर्ड नॉर्मल तो ये हो गया और बी अंदर हो गई,
फिर ऐसे घूमा, अब ये हो गया या इधर भी हो गया, वो तो एक डायरेक्शन चिपक के चल रहे हैं। अपने को याद करो भाई, एक डायरेक्शन एरिया वेक्टर की पकड़ लो और उसके बाद पूरी प्रॉब्लम के लिए उसी से चिपक के चलो, याद करिए। यही तो हमने सीखा था। तो जब जब बी और ए के बीच में हमें किसी भी प्रकार का ऐसा चेंज होता हुआ दिखेगा तो क्या बदल रहा होगा? मैग्नेटिक फ्लक्स। एंड वेन एवर देयर विल बी अ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, देयर विल बी अ करेंट इन द लूप, देयर विल बी अ करेंट इन द लूप। मेरे दिमाग में ये चीज आनी चाहिए। क्या ये बातें समझ में आई? और ये जो करेंट आया, ये जो करेंट आया, दिस करेंट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड भी है और साथ साथ क्या है, डायरेक्शन भी है, ठीक है? क्योंकि वो गैल्वेनोमीटर के एक्सपेरिमेंट से पता लगा था, इधर ले गया तो ऐसे घूम गया, इधर ले गया तो ऐसे घूम गया, तो डायरेक्शन वाला करंट भी है। अब लूप में क्लॉकवाइज घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, करंट वो तो अपने को पता ही नहीं है। अपन चलो मान लेते हैं ऐसे घूम रहा है, तो ऐसे थोड़ी मान लेते हैं, ये तो गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन बताएगा कहाँ घूम रहा है। तो एक था मैग्नीट्यूड, दूसरा क्या था, डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड के लिए हम लोगों ने क्या लिखा, फैराडेज लॉ, जिससे हमने मैग्नीट्यूड निकाला इस इंड्यूस्ड करंट का, ठीक है? और डायरेक्शन के लिए हमने क्या लिखा, लेंज लॉ, जो आपके जीवन में नए लॉ आने वाले, ठीक है? एक लॉ पढ़ेंगे फैराडे, एक पढ़ेंगे लेंज, जिसमें पहले पढ़ेंगे लेंज, जिसमें पहले क्या पढ़ेंगे, लेंस। उससे पहले कुछ क्वेश्चन हम लोग एरिया वेक्टर वाले करेंगे, जिससे आपको थोड़ी सी चीजें जो है वो बचपन की याद आ जाए, ठीक है? ये नोट कर लीजिए सारी चीज बातें मैंने बोली है, अगर आप वो साथ में लिख भी लेंगे तो इट विल बी एन एडेड एडवांटेज फॉर यू, आपको समय दिया जा रहा है। चलो यहां तक की बातें डन हो गई बेटा। चलिए हेडिंग डालिए बेटा छोटी सी, मैग्नेटिक फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, और इसमें लिखे वहां पर क्या होता था बेटा, फ्लक्स नंबर ऑफ EFLs, यहां क्या हो जाएगा नंबर ऑफ MFLs निकल रहे मोशन सॉल्यूशन लैब पासिंग थ्रू अ गिवन सरफेस है लिखो नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ MFLs, MFLs मतलब क्या हो गई, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। ध्यान रखें देर इज अ डिफरेंस बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स एंड मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स एंड इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स दे आर द सेम, बट MFL एंड MLF दे आर नॉट सेम। MFL क्या हो गई, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, और मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स हो गई MLF, दे आर नॉट द सेम, बट ELF एंड EFL आर सेम। ऐसा मत कंफ्यूज हो गई, FL और LF में कोई बात अरे EFL और ELF मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स और इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, दोनों सेम होती थी याद कर, जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाती थी उसी में टेंजेंट डाल के अपन फोर्स की डायरेक्शन निकाल लेते थे, पर मैग्नेटिक फील्ड के जब अपन फोर्स निकालते हैं तो सेम डायरेक्शन में आती है क्या? फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेम होती है क्या? नहीं होती ना, ऐसे क्या सोच रही है? मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फोर्स आर दे हैविंग द सेम डायरेक्शन? मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फोर्स क्या दोनों की डायरेक्शन सेम होती है? टेंजेंट डालते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पर। मैं अभी किसकी बात कर रहा हूं, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के ऊपर जब अपन टेंजेंट डालते हैं तो हमें क्या मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन मिल जाती है? या हाथ घुमा के निकालते हो तो फिर, अरे एफ इक्वल्स टू बिल्ली सीखा तो फिर एफ बराबर बिल्ली सीखा तो फिर इतना क्या सोच रहे हो? मतलब इसमें आई की डायरेक्शन में ये वाली उंगली, फिर बीच की उंगली, फिर अंगूठा, भूल गए सब? तुमने नहीं की उंगली इसमें, इसमें उंगली नहीं की तो क्या किया, मजा ही इसमें है, जितनी उंगली करो उतना सही है उसमें, है ना? सही से है ना भाई? नहीं आया समझ में? तीन, अंगूठा कौन सी डायरेक्शन देता था?
रहवा दे, पढ़ लेना एक बार घर पे जाके, तू मेरे से मत कर रहने दे। बावड़ी पूछ, पूछ नहीं बूछ, पूछ नहीं होता, तू गलत ही सुनती है हर बार। हाँ इसी बंद कर दे प्लीज, कर दीजिए जाके। अरे जाके कर देना, तो तेरे को ही बोल रहा हूँ, है ना? नहीं जाना, हाँ। MFLs मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू, पासिंग और क्रॉसिंग लिखना, पासिंग और क्रॉसिंग अ गिवन सरफेस इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स, इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। द MFLs पासिंग और क्रॉसिंग अ गिवन सरफेस इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। और इसकी वैल्यू क्या होती है जल्दी बोल, पहले भी लिख चुके ऑल दो हम, फाइव बी इक्वल्स टू इंटीग्रल बी डॉट डी ए, या फिर क्या लिख दिया बेटा, सीधे सीधे बोलिए, बी ए कॉस थीटा। ठीक है, फाइव इक्वल्स टू बा, फाइव इक्वल्स टू बा, ठीक बाकोस, राइट। इसके बाद में एक लाइन लिख लो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर एरिया, एरिया वेक्टर के लिए हम लोग पॉइंट्स लिख लें जल्दी जल्दी खटाखट। हालांकि मैं पहले लिखवा चुका हूं, मुझे शर्म आती है बताते हुए, ये बताते हुए कि भी पहले लिखवा चुका हूं और ये लिखवाते हुए भी, दोनों ही मोड में शर्म का एहसास मुझे ही हो रहा है, आप जैसे बेशरम लोग कम ही देखने को मिलते हैं। तो लिखें पहला पॉइंट, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी। नेक्स्ट पॉइंट, और लोग लिख रहे हैं बहुत खुशी खुशी, देखिए पेन बदल बदल के। नेक्स्ट पॉइंट लिखें, फॉर एन ओपन सरफेस एन बोला है मैंने, फॉर एन ओपन सरफेस कंसिडर वन डायरेक्शन एज एरिया वेक्टर डायरेक्शन। अरे एरिया वेक्टर में ए पे वेक्टर का साइन लगाना होता है दीदी, अब काट क्यों दिया, अब तो लिख देती, एज एरिया वेक्टर डायरेक्शन। ओ कटा हुआ पता लग रहा है तेरे को, ओ बावड़ी, एज एरिया वेक्टर डायरेक्शन देवी, एज एरिया वेक्टर डायरेक्शन एंड स्टिक टू इट फॉर द होल प्रॉब्लम। यार काट के नीचे टिक मार दिया कि कटा हुआ नहीं है, सही है, एंड स्टिक टू इट फॉर द होल प्रॉब्लम। मजा तो तब आता जब ये कटे हुए को काट देती कि कटा हुआ नहीं है। अगला पॉइंट, फॉर क्लोज्ड सरफेसेस कंसिडर आउटवर्ड नॉर्मल एज एरिया वेक्टर डायरेक्शन। फिर एरिया वेक्टर लिखा, एज एरिया वेक्टर डायरेक्शन, वेरी गुड। अब काट के टिक मार उस पे, एज एरिया वेक्टर डायरेक्शन। सारी बातें याद आती हैं बेटा बचपन की, अरे याद आती हैं, वेरी गुड। नेक्स्ट पॉइंट, डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर फिर लिखा, ये वही बात, टैलेंट तो कूट कूट कर अंदर तक भरा हुआ है। डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर इज ऑलवेज
परपेंडिकुलर टू द सरफेस, टू द सरफेस। ठीक है, ये सभी पॉइंट्स पहले भी आप लोग जानते हैं, दोबारा से बताए गए, और आओ देखते हैं कि आप पहले वाला ही सवाल सही करते हैं कि नहीं। कोई पीछे पन्ने ना पलटे और यहां पर देखे, नहीं तो आप पलट थी है ना। बोल, इलेक्ट्रिक फील्ड है इस बार, मैग्नेटिक फील्ड है, ये 37 डिग्री। ठीक है, इसका रेडियस क्या दे रखा है बेटा? आर। फ्लक्स और कोई? बीए कॉस 53, बीए साइन 53 37 एरिया वेक्टर है ना ये, तो फिर कर दी ना देख गड़बड़। विभूति ने सही बताया था, क्वेश्चन रट लिया भाई साहब, मजाक समझ रहे हो तुम, क्वेश्चन थोड़ी क्वेश्चन बेट। ये एरिया वेक्टर हो गया और ये बी हो गया, इनके बीच का एंगल कितना है यार? दिस इज 53 डिग्री, राइट? 53 है तो बी ए कॉस थीटा में थीटा इज द एंगल बिटवीन बी एंड ए, तो आंसर विल बी व्हाट? 5b इक्वल्स टू, बोलो, बी ए कॉस 53 डिग्री। कितना होता है कॉस 53? बहुत बढ़िया बेटा, ये सही बोल दिया तो वो गलत बोल दिया, कहीं ना कहीं तो चमत्कार करना ही है, कसम ही खा रखी है तो क्या कर सकते हैं, क्यों भाई, है ना। तो इसी बात पे अगर मान लीजिए हम एक स्फीयर वगैरह ले लें, हाँ भाई बोलो, फाई बोलो, हाँ स्फीयर है यार, जीरो हो जाएगा ना भाई, जितनी लाइन घुसी उतनी लाइन बाहर आ गई, बात खत्म। नंबर ऑफ लाइंस एंटरिंग इज इक्वल टू नंबर ऑफ लाइंस लीविंग, क्या क्लोज सरफेस है? मजा आ गया, याद आ गया आप लोगों को? अभी क्यूब ले लेता तो भी आंसर जीरो होता, याद करो, अनलेस बी इज कॉन्स्टेंट। क्वेश्चन याद आ गया? नहीं आया होगा ना यार, आ गया कौन सा? नहीं वो थोड़ी, मैं तो दूसरा बोल रहा हूँ। कौन सा बोल रहा हूँ बता? मैंने वो बोला जिसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्स्टेंट नहीं होती थी, ई नॉट एक्स आई कैप वाला, याद है? मैंने एक क्यूब बनाया था ऐसे वाला, ऐसे वाला याद दिला रहा हूँ, याद करो, अभी याद आया, ई की वैल्यू अपन ने ऐसे ई नॉट एक्स आई कैप ले ली थी, अभी याद आया, फिर यहाँ लगाती थी, यहाँ लगाती थी, ई अगर कॉन्स्टेंट होती थी तो दोनों में एरिया वेक्टर इधर आते थे, याद करो, और यहाँ की फ्लक्स और यहाँ का फ्लक्स बराबर आके कैंसिल हो जाता था, यहाँ तो अपन सीधे लिखते थे ई डॉट डी ए, यहाँ लिखते थे माइनस ई डॉट डी ए, क्योंकि एंगल 180 डिग्री हो गया भाई, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और ए इधर है तो एंगल कितना आता था? और यहाँ जीरो, तो दोनों कैंसिल आउट ऐसे हो जाते थे। पर जब E नॉट एक्स आई कैप वाला करते थे तो ये कम होता था, ये E ज्यादा होती थी, याद आया? तो हम लोगों ने फिर बोला था कि ये वाले का आंसर आएगा, E नॉट एक्स आई कैप के अंदर जीरो नहीं आता था, तो वो वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे ही वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड के केस में आपका आंसर आ जाएगा। क्या ये बात क्लियर है? अब मैं बार बार वो सब चीजें रिपीट नहीं करवा रहा, पर आपको समझ में आना चाहिए कि देखो ऐसा होता है। क्या ये बात समझ में भी आ रही है आपको? सभी लोगों को आ रहा है ना ये सब? ठीक है, और आगे चलते हैं, नोट कर लो बेटा ये सब। क्या हो गया विभूति? हैं, चलो नया फंडा देखते हैं, आइए। लो, स्फीयर है, ठीक है, या मतलब डिस्क ले लो अपन, तो बीच में कैविटी है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है,
मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना है आपको पूरे का, सुन लो। इसमें क्या रुकने की बात, कोई कैलकुलेशन थोड़ी है। फाइव बी की जो वैल्यू आती है वो आती है बेटा पाई आर वन स्क्वायर इन टू बी। बी की वैल्यू बी है क्योंकि, ऐसा क्यों? क्योंकि बाहर वाले से कोई मतलब ही नहीं होता, आपको उसी लूप का एरिया लिखना होता है जिस लूप में मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है। आपको उसी लूप का एरिया लिखना होता है जिस लूप में मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, जिसमें है ही नहीं उससे कोई मतलब ही नहीं है। तो क्योंकि इस पोर्शन में कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है इसीलिए सिर्फ इसी का एरिया लिया। तो हम लोग क्या लिखते हैं बेटा, फाइ बी जो अपन लिखते हैं ना अपन बी ए कॉस थीटा, ये जो अपना फॉर्मूला है इसमें ए जो है वो किसका लिखना है, एरिया ऑफ दैट लूप वेयर मैग्नेटिक फील्ड इज प्रेजेंट, एरिया ऑफ दैट लूप वेयर मैग्नेटिक फील्ड इज प्रेजेंट। तो लिख लेना है इसमें, इन फाइ बी इक्वल्स टू बी ए कॉस थीटा, ए इज द एरिया ऑफ दैट लूप वेयर मैग्नेटिक फील्ड इज प्रेजेंट। ध्यान रहे, पीछे तो मोबाइल क्यों चला रहे हो, क्या हो गया बोलो, तबीयत खराब है? फिगर तू तो लूप इमेजिन कर रहा है, इतना क्या सोच रहा है? इमेजिन इट एज अ लूप, इट्स अ लूप के अंदर लूप, ये क्या है? तो सब भूल जा, डिस्क सब भूल जा, एवरीथिंग इज देयर, कुछ भी नहीं है मेरे पास, तो एक लूप है, लूप के अंदर लूप है। ये क्या है बेटा, एक लूप है, करंट कैरिंग वायर का लूप, उसके अंदर एक और लूप है। अब इस लूप के अंदर तो मैग्नेटिक फील्ड है, बाहर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। तो मैं जब एरिया लिखता हूँ फाइ इक्वल्स टू बी डॉट डी ए में, तो एरिया सिर्फ उसी पोर्शन का लिखता हूँ जिसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, ठीक है? बस ये मतलब है इसका, ट्रीट इट एज अ लूप, सब छोड़ दो, राइट? क्या कहाँ आ रही है, इसी के अंदर है, यही है, बड़े में कहाँ आ रही है? नहीं ऐसा है, यहाँ थोड़ी है, थोड़ी सी जगह में आ रही है लेकिन आ रही है ना? कभी भी नहीं आ रही, बिल्कुल ही नहीं आ रही, ऐसे एंक्लोज थोड़ी है। तो वो कि मैंने फंसा ली मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की लाइन जो है वो इस पोर्शन के थ्रू निकल रही है, तो उसी पोर्शन से जब निकल रही है तो बड़े से तो कोई मतलब ही नहीं है ना। आप तो वैसे ही सोचो ना कि पास बड़े से हो रही है कि छोटे से हो रही है, छोटे लूप से हो रही है, तो फ्लक्स भी सिर्फ छोटे लूप का ही होगा ना, बड़े का क्यों होगा? ऐसे सोचिए, मैग्नेटिक फील्ड को लाइंस की तरह सोचो, जितनी निकली उतनी, मतलब जितनी घुसी उतनी निकली वाला केस सोचो, ठीक है? उस तरह से सोचे तो एक बार में समझ में आ जाएगा, क्लियर होती है बात? चलो और करें, करोगे और ऐसे सवाल और करने हैं? कर लो चलो। अच्छा ये बता दिया ना मैंने, तो ये वाला कर सकते हैं। और अभी क्लैरिटी आ जाएगी, ये लो। हाँ भाई, ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड है, ये आपका लूप, आंसर बताओ तुमको। आर रेडियस है बेटा, फाई की वैल्यू पूछ रहा हूं मैं तो, पाई आर स्क्वायर बाय टू इंटू, अब क्यों किया आधा, आधे में ही है मैग्नेटिक फील्ड, तो पूरे में जबरदस्ती लगाऊंगा क्या? फ्लक्स इतने ही पोर्शन से निकलेगा ना, तो आधे का एरिया लूंगा, दैट्स इट। तो आप उसी हिसाब से काम करें जैसा काम दिया जा रहा है। बोल रहे हैं आधे में मैग्नेटिक फील्ड है, आधे में लगा देंगे, अंदर अंदर मैग्नेटिक फील्ड है, अंदर अंदर वाला, तो एरिया ओनली ऑफ दैट पोर्शन, एरिया ओनली ऑफ दैट पोर्शन इन विच मैग्नेटिक फील्ड इज प्रेजेंट। और ये तो आपको पता ही होगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होती हैं वो किसमें एग्जिस्ट करती हैं, क्लोज लूप्स में। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स भी क्लोज लूप में करती हैं क्या? नहीं नहीं, क्या होता है, हाँ या ना बोल, नहीं करती। नहीं नहीं का मतलब तो हाँ होता है, है ना? नाना का मतलब क्या होता है, हाँ। हर्षिता क्या हो गया तेरे को, ऐसे क्या देख रही है आंखें फाड़ फाड़ के? अच्छा वो काम, वो मतलब वर्किंग है इसलिए, वो तो फिर दिक्कत आती है उस केस में, तो ठीक है तेरे को निकाल दिया, सही मतलब निकाल दिया मतलब बेसिकली बाहर भेज दिया
बाहर भेज दिया, मतलब मैं शब्द नहीं ढूंढ पा रहा क्या बोलूंगा इसको, घर से निकाल लिया तो गलत शब्द है ना, मतलब मैं सही शब्द ढूंढ रहा, तुझे शिफ्ट कर दिया, ये भी सही नहीं लग रहा सुनना, क्या बोलेंगे विभूति, लात मार के भगा दिया है, वनवास दे दिया, ये आया इसका वनवास हो गया भाई है। चलो आओ, तो आप करंट की डायरेक्शन वगैरह सब निकाल लें, तो लेट्स स्टडी अबाउट द लेंस लॉ। लेंस नहीं है, लेंज है। लेंस अबे वो लेंस था, वो लेंस फॉर्मूला था, वो वेव ऑप्टिक्स में पढ़ा होगा आपने, ज्योमेट्रिकल में तो नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, तो चलो भाई लेंस लॉ के अंदर लिख गया। सबसे पहले ये चीज हमें पता हो कि लेंस लॉ जो है इट इज बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन, तो बेस्ड है ये, तो लिख लो इट इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। डायरेक्ट क्वेश्चन आ चुका है, इट इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। और उसके बाद में एक लाइन लिखो एकदम बढ़िया मस्त और जोरदार लाइन, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करेंट, यही स्टेटमेंट है बेटा इसका, है ना, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करेंट इन द लूप इज सच दैट, इन द लूप इज सच दैट इट ऑपोजेज द कॉज, इट ऑपोजेज विच इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रोड्यूस इट, विच इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रोड्यूस इट, ठीक है। मतलब ये इसको बनाने वाले का ही खात्मा करना चाहता है, जिसके कारण आया उसी का खात्मा करता है, समझ गए। लेंस लॉ की खास बात यही है कि करंट जो आएगा ना लूप में, ध्यान से सुनना, लूप के अंदर जो करंट आएगा वो इस तरह से आएगा कि वो जिसके कारण आया है उसी का खात्मा करेगा, जिसके कारण आया उसी का क्या करेगा, खात्मा। मतलब कि अगर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ने के कारण आया तो मैग्नेटिक फील्ड घटाने की कोशिश करेगा, और अगर मैग्नेटिक फील्ड घटने के कारण आया तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाने की कोशिश करेगा, समझना मेरी बात को, है ना। मैग्नेटिक फील्ड घटने के कारण आया तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाना चाहेगा, और अगर बढ़ने के कारण आएगा तो घटाना चाहेगा। भैया आप कॉन्स्टेंट तो रख ही नहीं सकते मैग्नेटिक फील्ड, अरे बोलो भाई, बढ़ रही होगी घट रही होगी व्हाटएवर हो रही होगी, तो उसी के कारण आपको करंट देखना पड़ेगा। करंट वरेंट देखने के बाद में हमें यह पता लगेगा कि वो उसी का खात्मा करेगा जिसने उसे बनाया था। तो पैदा होने वाले को मारने वाला कौन, लेंस लॉ। पैदा करने वाले को मारने वाला कौन है, लेंस लॉ के थ्रू जो करंट आया वो और क्या, लेंस लॉ के थ्रू जो करंट आया वो उसको पैदा करने वाले का ही खात्मा कर रहा है, समझ गए ना। जल्दी से लाइन पढ़ो वापस से लाइन पढ़ो, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज सच दैट इट अपोजेज द कॉज विच इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रोड्यूस इट, उसी कॉज को अपोज कर रहा है जिसने उसको प्रोड्यूस किया है, है ना, ऑपोजिशन लाएगा, क्या लाएगा बेटा, ऑपोजिशन। तो इसको शॉर्ट में लिख लो, शॉर्ट में अपने पैदा करने वाले का खात्मा करेगा, अपने पैदा करने वाले का खात्मा करेगा ऐसा करंट आएगा, अपने पैदा करने वाले का खात्मा करेगा ऐसा करंट आएगा। कलयुग बोलते हैं ना, कलयुग चल रहा है है ना, अपने पैदा करने वाले का खात्मा करेगा क्या, खात्मा, तुम्हें खात्मा लिखना नहीं आता,
आत्मा उरी यार यार ये क्या है यार आत्मा नहीं खात्मा खा ठीक है। अब सुनो, जैसे मान लो आपको ऐसा कुछ दिया गया है, फिर बोल दूं किसी ने आत्मा सुना हो तो वो ख ख फ्रॉम द एपिग्लॉटिस लूप है, मैग्नेटिक फील्ड आप लोग देख सकते हैं, और जो बी है ना बेटा इट इज इंक्रीजिंग। बी कैसी है हमारे पास? इंक्रीजिंग है। मैंने बोला इसमें करंट की डायरेक्शन क्या होगी, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा देख, बी बढ़ने के कारण करंट आया, ध्यान से सुनना मैं जो जो बातें बोल रहा हूं, ऐसे ऐसे करने से नहीं आएगा ये, यहां देखना। करंट किस कारण आएगा? बी में चेंज के कारण, और बी बढ़ रहा है या घट रहा है? बी के बढ़ने के कारण करंट आया, तो जनरेशन किसके कारण हुआ? बी के बढ़ने के कारण। उसका जनरेशन किसके कारण हुआ? अब क्या वो उसके कॉज को नष्ट करेगा? कॉज को नष्ट करने के लिए वो लूप में करंट कैसे घुमाएगा कि बी कम हो जाए? वो करंट ऐसे घुमाएगा कि बी की वैल्यू कम हो। तो ये इसमें जो करंट घुमा, वो करंट से बी की डायरेक्शन अंदर आनी चाहिए कि बाहर? जिससे कि अंदर जो बी बढ़ रहा है वो कम हो जाए। नहीं आया समझ? तो लूप क्या बोलेगा? ऐसे करंट घुमा दो। तो आंसर क्या आ गया? एंटी क्लॉकवाइज। वो तो पता था मेरे को। पहले बता बी किधर है, ध्यान से सुने सभी लोग, बी किधर है? बढ़ रहे है। अरे भाई अंदर है, चंपक है बिल्कुल ही। बी अंदर है कि बाहर है? क्रॉस मतलब, वेरी गुड, बी अंदर है। बी बढ़ रहा है या घट रहा है? इंक्रीजिंग लिखा है ना बेटा, क्या लिखा है ये, या बाहर लिखा है? इसका नाम है इंक्रीजिंग। मैं ही बढ़ा रहा हूं, मेरे को जाने, मैं नहीं हूं। अभी रुक जा। बी अंदर है या बाहर? और बढ़ रहा है, तो करंट जो आएगा वो बी के बढ़ने के कारण आएगा। बी बढ़ रहा है किधर? अंदर की तरफ। बी बढ़ रहा है किधर? तो करंट ऐसा आएगा कि वो अपने बनाने वाले को ही निपटाना चाहे। इसको बनाने वाला कौन है? बी का बढ़ना अंदर, करंट चाहेगा इसको निपटाए। तो करंट के कारण बी कहाँ आएगी? तो करंट ऐसे घूमेगा कि उसके कारण बी कहाँ आ जाए? तो आप लूप में ऐसे घुमाओगे तो बाहर आएगा ना बी, खत्म। तो आंसर क्या है? एंटी क्लॉकवाइज। समझ ही नहीं आया? धीरे धीरे ही आता है बेटा, थोड़ा इज लाइक, थोड़ा भी मेरे लिए तो एकदम गंगा नहाने बराबर। गंगा बेटा तुम सबके क्या कान बज रहे हैं? अरे अथर्व किधर है? चिकन बॉक्स हो गया बेचारे। ओहो तुमने इतना पीट दिया बेचारे। करंट की डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज? दो ही ऑप्शन है, मजे की बात है विभूति, दो ही ऑप्शन है, अंदर बाहर का ऑप्शन, राइट? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? एंटी। कितने लोग एंटी 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 एंटी? बाकी लोग कुछ नहीं। चलो चेक करते हैं, करंट किस कारण आएगा? बी के घटने के कारण। तो ये बी को बढ़ाना चाहेगा, बी को क्या करना चाहेगा? बी क्या बेटा बाहर की तरफ घट रहा है, तो करंट ऐसे आएगा कि वो बी को बाहर की तरफ ही बढ़ाए। तो करंट ऐसे आएगा तभी तो बी बाहर आएगा। वेरी गुड। तो आई कैसे आ गया? समझ में नहीं आया? सबको आया समझ? वही आओ,
ये रहा लूप करंट की डायरेक्शन। आपको क्या गिवन है, एक करंट कैरिंग वायर है जिस पर करंट की वैल्यू बढ़ा रहे हैं। आपको क्या गिवन है, एक करंट कैरिंग वायर जिसमें करंट की वैल्यू जो है वो बढ़ रही है, इंक्रीज लिखा हुआ है ना बेटा आई के ब्रैकेट में, तो दिस इज गिवन टू यू राइट। और यहां पे एक लूप रख दिया, अब आपको ये बताना है कि इस लूप में करंट की डायरेक्शन क्या होगी। सोच लो, एक मिनट का टाइम लो। ध्यान दो, अरे तुम लोग सीखो यार, ये आसान है, ये सब क्वेश्चन एग्जाम के हैं, मैं ऐसे थोड़ी ना करा रहा हूं तुम लोगों को। चलो देखो, आई अगर इधर है तो पहले तो बता बी की डायरेक्शन किधर होगी, इधर अंदर, अंदर आ गई बी, तो बी की डायरेक्शन जो है वो क्रॉस है और वो बढ़ रही है, ये कैसे पता, आई बढ़ रहा है ना, अरे म्यू नॉट आई डी एल याद है वो फॉर्मूला। चलो भाई, तो बी जो है वो बढ़ेगा क्योंकि आई यहाँ पे बढ़ रहा था, और बी है अंदर, अंदर की तरफ बढ़ने के कारण ही क्या बेटा करंट आएगा, तो आई ऐसे बहेगा जिससे कि वो उसके पैदा करने वाले को ही खात्मा करे। अरे बोलो भाई, पैदा करने वाले का अगर ये खात्मा करना चाहता है मतलब कि ये बी को कहां लाएगा, बाहर, तो कैसे बहेगा, एंटी क्लॉकवाइज। मैं जो बातें बोल रहा हूं ना, खट 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 लिखा करो जिससे घर पे आके रिवाइज करो तो कुछ याद रहे, स्पीड बढ़ाओ, स्पीड बनाओ, सोचो इन चीजों को कि मैंने क्या क्या चीजें बोली, वैसे ही अपनी सोच डेवलप करो। वापस बोल रहा हूँ एक बार और, सब लोग ध्यान देना, इस करंट के कारण इसमें मैग्नेटिक फील्ड किधर है, अंदर या बाहर, अंदर। क्या हमने पाम रूल लगाना आता है, पाम रूल में क्या करते हैं बेटा, करंट की डायरेक्शन में उंगली रखते हैं या अंगूठा रखते हैं, अंगूठा रखते हैं, घुमाते नहीं है, अंगूठा रखते हैं पर घुमाते नहीं। इसके कारण जब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड देखते हैं तो अंगूठे को रखा है आई की डायरेक्शन में और उस पॉइंट की तरफ अपनी उंगलियों को रखते हैं जिस पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है। तो ऐसे कर लूं, दबाते हैं पाम से, किससे दबाते हैं, पाम से दबाया तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ गई, अंदर। ये जो मैग्नेटिक फील्ड अंदर आई है क्या ये बढ़ रही है क्योंकि करंट बढ़ रहा है, ये मुझे सोचना है, मेरे को बस करंट बढ़ता हुआ दिया गया है तो मैंने क्या सोचा, करंट बढ़ा है इसीलिए मैग्नेटिक फील्ड भी यहाँ पे बढ़ी होगी। अब आई किसके कारण आया, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ने के कारण, और मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही थी कहाँ पे, अंदर। तो करंट ऐसे घूमेगा कि वो इस मैग्नेटिक फील्ड के बढ़ने को रिड्यूस करे, वो इस मैग्नेटिक फील्ड के बढ़ने को क्या करे, और क्योंकि रिड्यूस करना चाहेगा तो क्या मैग्नेटिक फील्ड को बाहर लाएगा। नहीं आया समझ, सबको आया, चलो एक चीज बताओ, करंट ऐसे बह रहे राइट हैंड या लेफ्ट हैंड, ऐसे रख लूं, बी बाहर, बी बढ़ेगी या घटेगी, बी जो है वो डॉट है और वो उसकी वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है। अब करंट ऐसे बहेगा कि वो बी के बढ़ने को कम करे या ज्यादा करे, क्योंकि वो बी के बढ़ने से आया है तो करंट ऐसे बहेगा कि वो बी के बढ़ने को कम करे, तो क्या बेटा वो क्लॉकवाइज बढ़ के अंदर लाएगा, तो आंसर इज क्लॉकवाइज। फाइनली आई कैसा आया, क्लॉकवाइज आया, फाइनली आई कैसा आया अपना, क्लॉकवाइज। कुछ भी समझ में नहीं आया, पक्का आया, चलो एक और करो। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, दो आंसर आ चुके हैं, दो ही ऑप्शन है, एंटी क्लॉकवाइज। हाँ भाई, अंगूठा ऐसे,
कैसे रखूं बोल, नजर आ गया? तो बोलो बी की डायरेक्शन क्या है बेटा? बाहर की तरफ है, बी बाहर है और कैसा है? अब बी के डिक्रीज करने को ये बढ़ाना चाहेगा, तो करंट ऐसे बहेगा कि बी बढ़े बाहर, तो उसके लिए क्या बेटा? एंटी क्लॉकवाइज, आई की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज। समझ में नहीं आया तुम्हें? समझ में आ रहा है? चलो भारी लेवल के सवाल अगली क्लास में। थैंक यू।